हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। लास्ट सेशन में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने परसेंटेज का पार्ट वन यानी बेसिक पार्ट डिस्कस किया था कि क्या क्या बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं आपके परसेंटेज के। तो आज हम परसेंटेज का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, तो सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम फ्रेंड्स आपके वीडियो को आपके साथ देखें और सभी फ्रेंड्स अपने अपने आंसर यहाँ पर दें। ओके, तो ध्यान रहे, कॉपी और पेन लेकर भी बैठे, यूं ही वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। और ध्यान रहे, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे गैस गैस करके आंसर नहीं देगा। प्रॉपरली सॉल्व करिए, या अगर नहीं आ रहा है तो आराम से देखिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप उनको फिर खुद से कर पाएंगे। ओके, तो मैं देख रहा था टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आंसर भी पोस्ट कर रहे हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि पीडीएफ को सॉल्व कीजिए, तो पीडीएफ सॉल्व करने का मतलब होता है जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ के अंदर हो, चाहे मैंने वो क्लास में करवाए हों या मैंने आपके लिए छोड़े हों, कंप्लीट कंप्लीट माने हर एक क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद एग्जाम व्यू के डाउट ग्रुप में उसे पोस्ट करना है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेंडिंग रखे होते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस की बात नहीं की है। मैं बात करता हूं जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ में दिख रहे हैं सारे के सारे सॉल्व करके आपने पोस्ट करने हैं। ओके, आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज पार्ट टू, आज का जो टॉपिक रहेगा या परसेंटेज का जो पार्ट रहेगा वो एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस का होगा जिसमें आपको दिक्कतें भी आती होंगी, तो उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व करना है वो सब मैं आपको बड़े आराम से यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, पहले कुछ दो तीन क्वेश्चन बेसिक लेते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरुआत आगे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, फटाफट सॉल्व कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 24% एंड 36% ऑफ 475 टेट 2019। तो लगभग नया ही क्वेश्चन है, 475 के 24% तथा 36% में अंतर ज्ञात करो। खत्म, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले मुझे बताओ डिफरेंस और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना। क्या कहता है कि 475 के 24% और 36%, यानी क्या करेंगे, 475 का सबसे पहले 24% कैलकुलेट करो। ठीक है, और इसी फोर पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में करते हैं आगे ना। तो कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम 4 6 24, 4 2 8 25 गुना 400 है ना, राइट। 25 1 25 कितनी बार कटेगा, 1 टाइम्स, और यहाँ पे कितना बचा, 25, ये हो जाएगा आपका 25 एकम 25, 5 25 9 225, 19 गुना 6 करो कितना हो गया, 114। ठीक है, ऐसे ही ये तो किसका निकला, ये निकला 475 का 24%। अब निकालना 475 का कितना परसेंट, 36%, क्योंकि इन्हीं के बीच का तो डिफरेंस पूछा है आपसे। 475 का 36%, 4 से कट कर लो 9 टाइम्स, 4 से कट करो 25 टाइम्स, 25 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो मल्टीप्लीकेशन करिए कितना है, 171। अब क्वेश्चन कहता है कि इनके बीच का डिफरेंस यानी 475 का 24% निकालो, 475 का 36% निकालो, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस का मतलब अंतर। तो 171 में से 114 को यदि आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 57। आंसर कितना आ जाएगा, 57। देखिए भी क्वेश्चन के बहुत ही सिंपल है, ये कहता है कि 475 का 24% और 475 के 36% के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों को माइनस करके। तो यहां पर चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, यानी इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 57। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद समझ में आ चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर का फटाफट सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, इफ 8% ऑफ ए इज इक्वल टू 4% ऑफ बी देन 20% ऑफ ए इज।
ओके, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा समझेंगे जिसको दिक्कत है। इफ 8% ऑफ वी, ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो कहता है कि भाई एक ए का जो 8% है वो किसके बराबर है, बी का 4% के बराबर। ऐसा ही दिया है ना, 8% ऑफ ए इज इक्वल टू 4% ऑफ बी, देन 20% ऑफ ए। तो ये कहता है कि ए का जो 20% है वो बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। आप यहां पे देखो ध्यान से, ए का है 8%, बी का है 4%, तो यानी जितना 8% ए का परसेंटेज है, ए का जितना परसेंटेज है बी का क्या है उससे हाफ। जितना देखो ए का 8 है ना, तो बी का कितना है हाफ, 8 का आधा 4। तो अगर ए का 20 है तो क्या होना चाहिए हाफ, तो यानी कितना आएगा बी का 10%। ये डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यहां 8 था तो 8 से कितना हो गया हाफ, आधा 4 हो गया। अगर यहां 20 है तो इसका हाफ भी होना चाहिए, तो कितना आएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, विच इज 10% ऑफ बी। चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40% ऑफ 40% ऑफ एक्स इज 40, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यदि एक्स का 40% का 40% 40 है तो एक्स का मान क्या है। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चलो। कहते हैं कि एक्स का 40%, एक्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन सिखाया है 40%, उसके बाद एक और का इंग्लिश मीडियम में ऑफ लगा होगा, यानी फिर से मल्टीप्लाई। एक्स का 40% का 40% कितना है 40 है, यानी कितना है इक्वल टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिखाया मैंने कैसे काटते हैं, तो 40 से 40 क्या हो जाएगा कट, बाकी कुछ नहीं कटेगा। अब आप क्या करो, यहां से काट लो, तो 10 से 10 कट कर लो, 2 से काट लो 2 टाइम्स, 2 से काट लो कितने टाइम 5 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 2 से कितनी टाइम्स 5 टाइम, और 10 50 टाइम्स, यानी ऊपर कितना बचा। आप बोलेंगे सर ऊपर बचा, ऊपर तो बचा 1, नीचे कितना बचा 5, 50 × 5 कितना होता है 250, इक्वल टू कितना 1। तो 250 जब उधर जाएगा तो कितनी आएगी वैल्यू 250, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सिंपली जैसे जैसा कहता जाता है वैसे वैसा फॉलो करो, काटना आपका काम है, अगर आपको ऐसे समझ में आता तो खुद काट करके चेक करो आंसर कितना आएगा 250, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए फटाफट सॉल्व करें आप भी कोशिश करें। क्वेश्चन है 3/5 of 30% ऑफ ए नंबर इज 18, देन फाइंड द नंबर, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो संख्या क्या है। 3/5 of 30% ऑफ ए नंबर, देखो आपको नंबर का पता नहीं है, नंबर वो पूछ रहा है, तो किसी संख्या का, तो मैंने कितना मान लिया, मैंने मान लिया संख्या कितनी है, नंबर कितना है x, उसका क्या किया, उसका 3/5 किया, ठीक है उसका 3/5 हुआ ऑफ, यानी उसके बाद फिर ऑफ है, यानी का उसका कितना निकाला, उसका 30% निकाला, उसका 30% निकाला, तब जाकर के वो नंबर कितना मिला 18। यही तो कहा ना इंग्लिश मीडियम वाले, देखो 3/5 of 30 का मतलब 3/5 × 30/100 ऑफ ए नंबर, ऑफ यानी मल्टीप्लाई नंबर, चाहे आप एक्स को यहां लिखो चाहिए तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हिंदी मीडियम वाले किसी संख्या एक्स का या के 30%, 30% का 3/5 कितना है 18, ये तो आप समझ चुके होंगे। तो संख्या क्या है, संख्या तो ये माननी है मैंने, फटाफट सॉल्व करो खत्म क्वेश्चन, कितने में कटेगा। आप कहेंगे सर 0 से 0 नीचे कट हो सकता है, 3 से ये कितनी बार 6 बार, 3 से ये कितनी बार 2 बार, अब कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो ये इसको उधर ले जाओ, तो वैल्यू कितनी आई, वहां है 2, यहां से कितना जाएगा, एक तो 5 जाएगा और एक जाएगा 10, तो 5 × 2 = 10, 10 × 10 कितना होता है 100, 10 × 10 कितना होता है 100, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, किसी नंबर का इतना किया, किसी नंबर का उतना किया, 3/5 किया, 30% किया, 60%, कुछ नहीं करना, नंबर को एक्स मान दो, जैसे ऑफ ऑफ का वर्ड, ऑफ ऑफ वर्ड यूज करेगा तो मल्टीप्लाई लगाओ, का वर्ड का यूज करेगा तो क्या करो मल्टीप्लाई लगाओ, जिसके बराबर दिया होगा उसको उसके इक्वल टू के बराबर लिखो, सॉल्व करो आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, आप ध्यान से पढ़िए। एडिंग 30 to 60% ऑफ ए नंबर गिव 75% ऑफ द नंबर दैट नंबर इज, वो नंबर क्या है? किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? किसी संख्या, आपको नहीं पता नंबर क्या है, नंबर ही तो निकालना है। लेट्स से वो नंबर कितना है, x। कहता है कि उस नंबर के 60% में कितना जोड़ा, 30। तो इस नंबर का 60% कितना होगा, यही तो होगा। उसमें कितना जोड़ा, उसमें 30 जोड़ा, तो जाकर के मुझे कितना मिला, तो मुझे मिला 75% ऑफ दैट नंबर, यानी उसी संख्या का, यानी इसी संख्या x का कितना मिला, का मतलब गुणा 75% मिला। ये है भाई कहावा, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, प्राप्त का मतलब इक्वल टू, खत्म। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम काट लेते हैं, तो कितने पे कटेगा, 10 से 10, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, इधर को मत काटना, बीच में प्लस लगाया, तो यहाँ पे कितना बचा, आप कहेंगे सर यहाँ बचा 3/5 ऑफ x प्लस कितना 30, यहाँ पे कितना बचा 25 से काट लो 3 बार, 25 से काट लो कितने टाइम्स, 4 टाइम, यहाँ बचा 3/4 ऑफ x। तो अब आप क्या कर सकते हैं, x को x के पास ले आओ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। तो कैसे करेंगे, इधर ले आओ भाई इसको, तो 3/5 ऑफ x प्लस, प्लस नहीं, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तभी से सॉल्व करना आपको आता है ना, क्या लेंगे इनका एलसीएम लेना तो आता होगा सभी को, कितना है 25 के टेबल में 24, 4 टाइम, 4 3 जा कितना होता है 12x, 4 के टेबल में 25 टाइम्स, 5 3 जा कितना होता है 15, इक्वल टू कितना -30, 12 में से 15 के कितने बचे, माइनस का 3x/20, क्योंकि 15 बड़ा है उसके साथ माइनस, इक्वल टू कितना -30, ठीक है। तो एक माइनस है, एक माइनस कैंसिल, तो अगर आप इसको उधर ले जाओगे 3/20 को, तो क्या बन जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना 30 × 3/20, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 20/3, 3 से कट करो 10 टाइम्स, यानी 10 × 20 कितना होता है 200, यानी आंसर कितना हो जाएगा 200, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे आप फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस। फिर मैंने इसे भी काट दिया, इसे भी काट दिया, तो ये आया, तो मुझे x निकालना है, तो x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर देते हैं, जो कॉन्स्टेंट है उनको दूसरी तरफ। इसे सॉल्व किया, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, तो यहाँ बचा -3x/20, यहाँ पे -30, तो माइनस ए माइनस कैंसिल, 3/20 को उधर ले जाओ, काटो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से कोशिश कीजिए आप भी। क्वेश्चन है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन वन सीजन, इट वन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, उसमें से 25% जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या नंबर में कितने था। तो देखो भाई, उन्होंने कितने मैच खेले, जितने भी खेले वो कितने होंगे 100%, तो अगर 100% खेले तो उसमें से कुछ विनिंग परसेंटेज में होंगे और कुछ क्या होंगे, लूज या लॉस्ट परसेंटेज में, कुछ हारे होंगे कुछ जीते होंगे, तभी तो 100% बनेगा ना। तो वो कहता है कि विन कितने के हैं भाई, अभी जीते कितने हैं, बोलता 25% जीते, तो अगर 25% जीते तो बताओ हारे कितने हैं, सीधी सी बात है सर 75%, क्योंकि टोटल तो 100% बनने हैं, जो भी काम होगा वो 100% ही होगा, ये चैप्टर ही परसेंटेज का है। अब वो कहता है कि उन्होंने कितने खेले, 20 मैचेस खेले हैं, उन्होंने कितने खेले हैं 20 मैचेस खेले हैं, इट वन 25% ऑफ देम, और उनमें से उन्होंने कितने जीते हैं 25%, तो खत्म। तो खेले कितने हैं, यहां कर लेते हैं, खेले हैं 20, उसमें से कितने परसेंट जीते, 25% जीते भाई, और यही आपको पूछ रहा है। तो 10 से 10 कट, 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 1 जो 2, 2 से 2 कट, यानी उन्होंने कितने मैच जीते,
यानी उन्होंने कितने मैच जीते हैं? उन्होंने जीते हैं 5 मैच। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए, ये कटिंग आप देख लीजिए, 5 5 जो 25 5 10। हाँ, तो यानी कितने मैच जीते उन्होंने? 5। ओके, तो यही बात को समझाना चाहता हूँ कि टोटल 100% होगा, 100% में से 25% जीते हैं। तो उसने सीधा ही पूछ लिया कि बताओ टोटल कितने मैच जीते हैं, तो 25% जीते हैं। तो टोटल हैं कितने? 20। तो 20 का 25% सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर वो पूछता इस क्वेश्चन में, मान लीजिए वो विनिंग की बजाय पूछता, बताओ लूजिंग कितने परसेंट या कितने मैच उन्होंने हारे हैं, नंबर में अगर पूछता, तो आप 20 का कितना निकालते? 75%। कितना निकालते 20 का? 75%। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आउट ऑफ 15,000 वोटर इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। एक किसी क्षेत्र में 15,000 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान दिया, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। नंबर पूछ रहे हैं आपको। ओके, तो ध्यान रहे फिर से वही बात, टोटल लोग कितने होंगे? टोटल तो हमेशा 100% ही रहने वाला है। ओके, 100% में से अब ये देखो कि कितनों ने वोट दिया और कितनों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, वोटर्स जिन्होंने वोट दिया, ये है जो जिन्होंने वोट दिया है, यानी जिन्होंने वोट दिया, ये है वो जिन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, अब इसने खुद कह दिया कि 60% वो थे जिन्होंने वोटिंग की, ये है 60% जिन्होंने वोटिंग की। अब बताओ 60% ने वोटिंग की तो कितनों ने वोट नहीं किया? ऑब्वियस ही बात है, 40% ने वोट नहीं किया। पेपर में कुछ भी परसेंटेज पूछ लेगा, इसीलिए आपको क्लैरिटी से काम करना होगा। ठीक है, कि क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे निकालते हर एक बार। तो अब मुझे बताओ, 15,000 है, ठीक है, आउट ऑफ 15,000 वोटर है ना ये, तो मुझे अब ये बताओ कि अब आप कैसे निकालेंगे। इसने बोला कि भी कितने परसेंट वोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 40% की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 40% कहाँ से निकल कर आएगा? तो यहीं से निकल के आएगा। टोटल कितने आदमी है? टोटल है 15,000 वोटर। तो यानी जो 100% जो वैल्यू मैंने लिखी है, ये जो 100% वैल्यू मैंने लिखी है, इस वैल्यू के अंदर कितने आदमी आ रहे हैं टोटल? तो आप कहेंगे सर 15,000, ये क्वेश्चन में लिखा है। अगर 100% में 15,000 है, अगर 100% में 15,000 है, तो मुझे बताओ 1% में कितने होंगे? तो 1% में कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 1% निकालना बहुत आसान है, डिवाइडेड बाय कितना? 100, यानी ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? बेस में। तो 20 से 20 कट, यानी 1% में कितने? 1% में आते हैं 150 वोटर्स। 1% में कितने वोटर्स आए? 1550 वोटर्स। तो मुझे निकालना कितना है? तो मुझे निकालना है 40%। तो अगर 1% 150 है, तो 40% कितना होगा? तो मल्टीप्लाइड बाय 40। तो 40 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो तो बन जाएगा 40%, और 40 की ही मल्टीप्लिकेशन 150 में करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2 0 आ जाएंगे पहले ही, 15 × 4 कितना हो गया? 60। यानी कितना? 6,000 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट वोटिंग में नहीं किया। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, कभी भी कोई चीज 100% होगी, 60% ने वोट दिया, 40% ने नहीं दिया। तो टोटल कितने लोग थे? 1500 15,000, ये क्वेश्चन में लिखा है 15,000 टोटल लोग थे। अगर 100% 15,000 है, तो 1% कितना होगा? यानी 1% में कितने वोट आएंगे? 150 वोट आएंगे। मुझे निकालना है कि कितनों ने वोट नहीं दिया, तो यानी 40% की वैल्यू निकालनी है। अगर 1% इतना, तो 40% कितना होगा? इतना। 40 की मल्टीप्लीकेशन इधर, 40 की मल्टीप्लीकेशन उधर करो, खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वो आपसे मान लीजिए पेपर में पूछता, बताओ कितनों ने वोट दिया, तो आप क्या निकालते? आप फिर 60% कैलकुलेट करते। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपको, दोनों तरीके से, यानी बेसिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ो, ताकि कोई भी कुछ भी पूछे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करिए आप भी ट्राई फटाफट। क्वेश्चन कहता है, मीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। तो इस क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ,
7 क्लास 8 की एनसीईआरटी में सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं, मीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर, यानी सैलरी कितनी है भाई उसकी। तो मुझे ये बताओ, जब भी किसी इंसान को सैलरी मिलनी है तो कितनी मिलेगी? सीधी सी बात है सर, 100% लाएगा, 100% ही मिलेगी सैलरी। उसी सैलरी में से क्या करेगा? खर्च करेगा। उसी सैलरी में से क्या करेगा? सेविंग करेगा। तो सेविंग और खर्च की बात बाद में करते हैं, तो सैलरी तो खुद में कितनी होती है? 100%। अब वो कहता है कि भाई उसकी सैलरी में से वो कितना बचा पा रही है। वो बोलता है कि उसकी सैलरी में से वो कितना बचा पा रही है, सिर्फ 400 रुपीज़ वो बचा पा रही है। और ये 400 किसके बराबर है? ये 400 उसकी सैलरी का 10% है। उसकी सैलरी का 10% कितना है? 400 के बराबर, यानी ये दोनों इक्वली तो हुए, परसेंट में 10 लेकिन नंबर में कितना? 400। तो यहाँ से 1% कितना आएगा? तो बेहद इजी, 1% क्या आएगा? 10 उधर चला जाएगा। तो 400/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना आया? 40। अब उसने पूछा कि उसकी सैलरी क्या है, तो सैलरी हमेशा कितनी होती है? 100%। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, कुल मिला करके 100% निकालो। तो अगर 1% 40 है, यदि 1% 40 है, तो 100% कितना होगा? तो ऑब्वियस ही बात है सर, 100 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ तो 100%, और 100 की ही मल्टीप्लीकेशन किस में करेंगे? 40 में ही। अरे भाई, 1 का 100 कब बनेगा? 100 की गुणा यहाँ, और इसमें भी किसकी गुणा करेंगे? 100 की, दोनों तरफ को होती है ना। तो आंसर कितना आया? 4000 रुपीज़, यानी उसकी सैलरी कितनी है? 4000 रुपीज़। ये एक्स वैक्स मानना छोटे बच्चों की, 6 7 क्लास के बच्चों का काम है। यहाँ एक्स वैक्स मान के कुछ नहीं करना, डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को अपने अंदर क्रिएट करो, तभी तो मैं ऐसे सिखा रहा हूँ। अदरवाइज एक्स वैक्स मान कर क्यों आप इतने लंबे प्रोसेस में जाएंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, 100% सैलरी है। अच्छा, 10% दिया है, तो 100% पूछा है, तो फटाफट निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कहता है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए और सोमवार को सिर्फ 169 गए, तो चिड़ियाघर में सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है, ये बोलता है कि भाई मंडे की बात है, 845 लोग गए भाई सैर करने, संडे की बात है, सॉरी मंडे की नहीं, ये है संडे की बात, संडे की बात। फिर कहता है कि भाई मंडे की जब बात हुई तो सिर्फ कितने लोग गए? 169 है ना, तो यानी कितने कम हुए, कितने कम हुए भाई? 845 से कितने हो गए? 169, यानी कितने कम हुए? तो आप कहेंगे सर कम हुए यहाँ पे 4, यहाँ बन जाए कितना 7, यहाँ बन जाए कितना 6, चेक कर लो भाई, 9 में से नहीं, गलत कर दिया भाई थोड़ा सा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपके पास 7, यहाँ 676, यानी 676 पीपल, 676 पीपल की क्या आ गई? कमी। तो बताओ कितने कम हुए, परसेंट में कितने कम हुए? देखो भाई, 676 लोग कम हो रहे हैं, कितने पर? 845 पर, यही तो कहा। 845 में कितने लोग घटे? 845 में से कितने लोग घटे अगले दिन के लिए? 676 कम हुए, तब जाकर कितने? 169, यानी ये नहीं लेना। उसने कहा कि परसेंट कितने, कितने परसेंट कम हुए, कम कम मतलब यहां देखो कितने कम हुए, 676, तो 845 में कितने कम हुए? 676। परसेंट ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 काटो, और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। कितने कितने में कटेगा भाई, जल्दी से काटो। तो आप इसको कट कर लो, 5 से काट लो सबसे पहले भाई, 5 6 कम 5, 3 6 4, 5 9 45, 5 से कट कर लो कितनी बार? 20 बार, 5 से कट कर लो कितनी बार? 20 बार। अब किससे कट करोगे? 13 से कट कर लो, 13 गुना 13 169, 13 गुना 5 होता है 65, 13 गुना 2 कितना होता है? 26, 13 एकम 13, 13 चौके कितना होता है? 52। तो 4 गुना 20 करना मुझे सिखाने की जरूरत तो नहीं लगती, यानी 80% लोगों की क्या आ गई? कमी। संडे से मंडे जाते टाइम कितने 80% लोग नहीं आए? कुछ नहीं करना,
जब भी कहता है कि कितने प्रतिशत घटे, कितने प्रतिशत बढ़े, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर बढ़े हैं तो डिफरेंस बड़ा प्लस में होता है, घटा है तो घटने में आता है। तो फिर देखते कि कितने में घटे, ठीक है। इस टाइप से आप चीजों को समझ सकते हैं। यानी 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना अगर समझ में ना आए हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, अ फुटबॉल टीम हैज़ वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उसमें से 10 जीत हासिल कर ली उन्होंने। अगर परसेंटेज में 40 है तो टीम ने कुल कितने मैच खेले। बिल्कुल इसी क्वेश्चन में भी टीम ने जितने मैच खेले वो तो हम जानते हैं कितने हैं, 100%। अगर 100% खेले हैं तो कुछ जीते होंगे और कुछ क्या किए होंगे, लॉस या लूज किए होंगे, राइट बात है। कहता है कि भाई विनिंग परसेंटेज कितनी है, कहता है विनिंग परसेंटेज तो 40% है, तो लॉस्ट परसेंट कितनी भी, लॉस्ट परसेंट 60 भी, तो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है कुछ भी दे करके। तो उसने बोला कि जितने खेले उनमें से 10 जीते, जितने खेले उनमें से 10 जीते। तो आपको तो पता ही नहीं कितने खेले, लेकिन इतना पता है कि भाई 10 तो उसने जीते हैं, लेकिन परसेंट में कितने हैं, परसेंट में 40%, लेकिन नंबर में कितने हैं, 10। यानी 40% को अगर मैं देखूं तो उसमें कितने मैच आ रहे हैं, 10। ये तो कह रहा है कि विनिंग परसेंटेज 40 है तो 40% मैच जीते हैं, लेकिन नंबर में कितने जीते हैं, 10, ये प्रश्न में लिखा है। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर मुझे 1% कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा। आप कहेंगे सर 10/40 आएगा। मुझसे पूछा क्या है, टोटल कितने मैच खेले, टोटल मीन्स 100%। यानी मुझे निकालना क्या है, 100%। 60% नहीं निकालेंगे, 60% तब निकालेंगे अगर पूछा होता कि भाई कितने मैच लॉस्ट किए। तो यहाँ से निकालो 100%, यानी टोटल कितने मैच खेले, तो 100% कितना आएगा। बिल्कुल इजी, 100 की मल्टीप्लिकेशन या 100 की दूसरी तरफ भी, 10/40 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कट करो कितनी टाइम्स कट हो जाएगा, 25। यानी 25 टोटल मैच खेले गए थे फुटबॉल टीम के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर भी होगा। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। कहता है कि एक व्यक्ति का जो वेतन है वो बढ़ गया, अगर उसका नया वेतन इतना है तो बताओ मूल वेतन कितना। मैंने कहा था, अब ये भी सिखाया है कि जो सैलरी होती है वो हमेशा होती है 100%। इतनी बात समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। अब उसकी सैलरी पर क्या हो गया है, इंक्रीमेंट लग गया, बढ़ गया। तो अगर इंक्रीमेंट हुआ तो 10% बढ़ने का मतलब कितना हुआ, तो 100 में सीधा जोड़ो कितना हो गया, 110% होगी भी सैलरी। यानी अब सैलरी कितनी हो गई है, 110%। 100 की वैल्यू पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं परसेंट वैल्यू को, और 100 की वैल्यू पर डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। इस चीज़ को आप प्रॉफिट लॉस में ध्यान से सीखेंगे जब मैं करवाऊंगा। तो 100% थी, 10% बढ़ा कितना हो गया, 110, लेकिन वेतन कितना हो गया, अब जो न्यू सैलरी वो कितनी होगी, 1,54,000। तो ये जो नई सैलरी है, नई सैलरी तो 110% बन चुके हैं। यानी इसने 110% की वैल्यू कितनी बताई है, 1,54,000, 1,54,000 बताई कि भाई नया नई सैलरी इतनी होगी, परसेंट में 110, लेकिन कितनी होगी इतनी। तो मुझे बताओ 1% कितना हुआ। तो आप कहेंगे सर 1% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे जैसे हम पीछे करते आ रहे वैसे करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट कर लो, 11 से कट कर लो भाई, कितने टाइम, 1 टाइम, 11 4 जा 44, और 2 0, राइट। लेकिन मुझे 1% नहीं, मुझे क्या निकालनी है, उसकी पहले वाली सैलरी, मूल वेतन का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल तो 100 था ना, तो यानी कितना निकालना है इसका, 100%। 100% कैसे निकलेगा, 100% निकलेगा ये जो 1400 है इसकी मल्टीप्लाई किससे, 100 के साथ। यानी कितना आएगा, 1,40,000। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आप इस चीज को बिल्कुल आराम से समझ चुके होंगे। अब अगर कहता है कि 10% घट गई तो आप इसको कितना कर लेते, 90। फिर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप से। आगे एक और देखते हैं, क्वेश्चन इजी है।
क्वेश्चन है, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। कहता है कि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद कितने बचे, 600 बचे, तो उसके पास शुरू में कितने थे। तो सबसे पहले एक बात समझ लो भाई ध्यान से, जो आपकी सैलरी होती है यानी जो आपकी आय होती है वो किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर यानी बचत जमा खर्च के बराबर। ठीक है भाई, अरे भाई सैलरी मिलेगी उसी से तो कुछ बचाओगे ना, उसी से तो खर्च करोगे, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर को प्लस करोगे तो क्या मिलेगी, सैलरी। आय किसके बराबर होती है, बचत जमा खर्च। इतनी बात समझ गए। अब कहता है, समझ में आ गई, अब कहता है कि भी चमेली ने क्या किया कि 600 बचे उसके पास आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, यानी उसके पास शुरू में कितने थे, 100%। 100% में से उसने स्पेंड, स्पेंड माने एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने खर्च, तो उसने 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना सेविंग में। आप कहेंगे सर अगर 75% खर्च कर दिया तो सीधी सी बात है बचत में अब बचा होगा सिर्फ 25%। बचत में कितना बचा होगा, 25%। ठीक है, तो परसेंट में कितना है, 25%, लेकिन उसके पास खुद अभी कितने हैं, उसके पास है 600 रुपये, यानी 25% में, 25% की वैल्यू में कितने रुपीज बच रहे हैं, 600। तो पूछता है कि 100% में कितने होंगे, यानी फुल सैलरी कितनी है, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में कितने उसके पास पैसे थे, तो यानी फुल सैलरी पूछ रहा है, तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 600 डिवाइडेड बाय 25। तो मुझे 1% मुझे क्या निकालना है, 100%। तो 100% का मतलब क्या, दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई, तो 600 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 25 से कितने टाइम्स, 4 टाइम, तो 6 गुना 4 कितना हो, 24, यानी 2400, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके पास शुरू में कितने रुपीज थे, 2400 में से अब उसके पास कितने बचे हैं, 600, तो 75% यानी 1800 क्या कर चुकी है, खर्च। अब ध्यान रहे वो आपसे ये भी पूछ सकता था, बताओ उसने कितने रुपीज खर्च किए। तो मेन कंसेप्ट यहां पर है कि आप सबसे पहले ये जानना सीखो कि किस वैल्यू, किस परसेंट वैल्यू को किस किसकी वैल्यू के सामने रखा जाता है, ये सीखो आप। परसेंट में 25, नंबर में कितना, 600, ये नंबर पहचानना होता है आपको क्वेश्चन में क्या है, जब इनको कैलकुलेट करोगे उसके बाद मेन मकसद आपका ये होता है कि 1% आप जान लो। अगर 1% जैसे ही आपके पास मिल गया फिर चाहे कुछ भी पूछे क्वेश्चन से, फिर आपका आंसर वहां से निकलना शुरू हो जाता है। अगर 1% नहीं निकला तो आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फोकस कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ए सैलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी बी इज लेस देन ए। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बताओ बी का ए से कितना कम है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पेपर में आते हैं, ध्यान से करेगा, ये एचपी के एग्जाम में आ भी चुका है। ये है ए और ये है बी, एक्स वैक्स टी पी कुछ नहीं माना, डायरेक्ट देखो कैसे कहता है कि ए की जो सैलरी है वो बी से ज्यादा है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि बी 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है, तो उसकी कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा, यानी ए कितना कमाएगा, ऑब्वियसली बात है 100 में 20 ज्यादा, 120 कमाएगा। नंबर हमेशा 100 ही लेके करना, ओके। तो 100 अगर बी कमाता है तो ए कितने कमाएगा, 20% ज्यादा यानी 120। अब कहता है कि व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ बी इज लेस देन ए, कहता है कि जो बी का वेतन है, जो बी का वेतन है ए के वेतन से, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हाँ जी, किससे पूछ रहा है, ए के वेतन से पूछ रहा है, तो ए का वेतन कहाँ आएगा, नीचे। बताओ ये 100 है ये 120 है, बी कितने रुपए कम कमा पा रहा है ए से, तो आप कहेंगे सर 20 रुपए कम कमा पा रहा है, यानी बी 20 रुपए कम कमा पा रहा है ए से, यानी 120 में से कितने कम कमा पा रहा है, 20, यानी गुणा कितना, 100। ठीक है, अब सॉल्व कर लो आपके पास आंसर आएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नीचे ऊपर रखोगे क्या आप,
उसने देखो पता कहाँ से पता चलेंगे यहाँ से कि व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी ऑफ बी इज लेस देन, बी की सैलरी कितनी कम है, यानी बी की सैलरी पूछ रहा है किसके अंदर से, फ्रॉम ए यानी ए से, यानी ए की वैल्यू नीचे बी की कम वाली वैल्यू ऊपर। अब सॉल्व करो खत्म, 0 से 0 कट, 4 गुना 3 12, 4 गुना 5 होता है 20, यानी कितना आ गया 50/3, यानी कितना 16:2/3% इज अ फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये जेबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, इफ मोहन इनकम इज 25% देन रमन, यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है तो रमन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये है भाई आपका मोहन और दूसरे नंबर पे कौन है रमन, ठीक है। तो ज्यादा किसकी है, मोहन की आय है ज्यादा किससे, रमन से। तो लेट से रमन 100 है तो मोहन कितना है 25% ज्यादा, यानी 25 ज्यादा इससे 125। कहता है रमन की इनकम, रमन की जो इनकम वो कितनी लेस है मोहन की इनकम से, मोहन की इनकम से देखनी है रमन की इनकम, तो मोहन की इनकम कितनी है 125, क्योंकि इसके अंदर से देखने की इसकी कितनी कम है। तो कितनी कम है आप देखो भाई, कितनी कम है भाई, आप कहेंगे सर 25 कम है, रमन 25 कम कमाता है मोहन से, तो 25 ऊपर गुणा 100, प्रतिशत में परसेंटेज में क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, 5 बार 25 से ये कितनी बार 20% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज रेस्ट ऑफ द नंबर आर गर्ल्स देन नंबर ऑफ बॉयज इज, एक स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं 75% लड़कियां 420 तो लड़के कितने हैं। फिर से वही बात, स्कूल में टोटल बच्चों का मतलब कितना हुआ 100%, 100% में से जो 75% है, 75% है वो तो है बॉयज, तो बचे हुए 25% क्या हुई, सीधी सी बात है सर गर्ल्स होंगी वो तो, ठीक है। अब कहता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420, द नंबर ऑफ बॉय, यानी नंबर ऑफ बॉयज निकालने को बोल रही है भाई, बोल रहे हैं भाई, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 75%, यानी आपको 75% की वैल्यू निकालनी होगी, पहले तो समझेंगे इस बात को। लेकिन अब हिंट क्या है, सॉल्व करने की हिंट क्या है, सॉल्व करने की हिंट ये है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है 420, लड़कियों की संख्या कितनी है 420, परसेंट में कितनी है 25%, नंबर में कितनी है 420 खत्म, तो 25% में ये लड़कियां कितनी है 420 है, तो मुझे बताओ 1% में कितनी होंगी। तो आप कहेंगे सर 420/25, मुझे बताओ अगर मुझे मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना नंबर ऑफ बॉयज लड़कों की संख्या, तो लड़के हैं कितने 75%, यानी 75 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ और 75 की मल्टीप्लीकेशन इस तरफ भी आप कर देंगे, तो 25 से 1 बार 25 से 3 बार तो कितना हो जाएगा 6, यानी 1260, यानी कितना जाएगा 1260, 1260, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना ऐसे परसेंटेज में तोड़ दो, परसेंटेज में तोड़ने के बाद देखो हिंट कहाँ मिल रही है, जैसे हिंट भी थी लड़कियों की तरफ से, तो परसेंट में 25%, नंबर में 420, फिर 1%, 1% के बाद हमेशा 100% नहीं निकालते, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, क्वेश्चन में अगर बॉयज पूछी है तो बॉयज है 75%, तो 75 की मल्टीप्लीकेशन करवा दो किसके साथ 1% के साथ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, फटाफट सॉल्व करिए अगर आप कर पाते हैं तो। क्वेश्चन है इन अ कमिटी ऑफ 20 मेंबर्स, एक कमिटी है 20 लोगों की, 12 जिसमें मेन है, ओके। तो पहले सिंपल देख लो, एक कमिटी है 20 लोगों की, ठीक है, जिसमें मेन कितने हैं, मेल कितने हैं। आप कहेंगे सर मेल अगर देखे तो 12 है मेल, तो बताओ फीमेल 20 में से अगर 12 मेल, तो सीधी सी बात है फीमेल कितनी हुई 8। अब पढ़ो आगे, कहता है देन द नंबर ऑफ वुमेन इन द कमिटी इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ मेन, महिलाओं तो समिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से, किससे, पुरुषों की संख्या से, यानी पुरुष कहाँ आ जाएगा बेस में, तो बताओ
ये जो महिलाएं हैं, ये जो फीमेल्स हैं, मेल से कितनी कम है? देखो मेल है 12, फीमेल है 8, तो आप कहेंगे सर फीमेल्स जो है मेल से 4 कम है, फीमेल मेल से कितनी कम है? 4, तो यानी 4 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। माइनस क्यों किया? ये 4 क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि प्रश्न कहता है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो महिलाएं कितनी कम है? 4 कम, कितने पे? 12 पे। 12 पे कितनी कम? 4 गुना 100, तो 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी, 33:1/3% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, 33:1/3% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप इस चीज को भी समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 46% फीमेल्स इन द सिटी एंड द नंबर ऑफ मेल्स आर 2480 मोर देन फीमेल्स, देन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज, एक शहर में 46% महिला है तथा पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है, शहर की कुल आबादी, कुल आबादी, कुल का मतलब 100% पूछ रहा है। तो अगर कोई शहर है तो उसकी आबादी कितनी होगी? 100%। अगर शहर है तो उसमें मेल भी होंगे और उसमें फीमेल भी होंगे, तो इसने कहा है कि जो फीमेल्स हैं वो कितनी है सिटी के अंदर? 46%। तो मेल कितने हुए? ऑब्वियस सी बात है 54%, ठीक है। अब कहता है कि जो आपके पुरुष हैं यानी ये जो मेल है वो फीमेल से कितने ज़्यादा हैं? 2480। मुझे बताओ परसेंट में मेल कितने ज़्यादा है फीमेल से, कितने ज़्यादा भी मेल परसेंटेज में? आप कहेंगे सर 8% ज़्यादा मेल हैं इस शहर में। तो ये कहता है यहाँ से 8% मिला, और प्रश्न कहता है कि भी कितने ज़्यादा है? प्रश्न कहता है कि 2480 क्या है ज़्यादा, यानी यहाँ पर जो ज़्यादा है परसेंटेज में वो नंबर में किसके बराबर है? 2480। तो मुझे अब यहाँ से क्या निकालना होता है? आपको तो पता है 1% फर्स्ट टारगेट डिवाइडेड बाई कितना, नीचे आ जाएगा ना 8, तो आप 8 से इसको कट कर लो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स 8 बन जाए 8 310। तो मुझे निकालना कितना है? मुझे निकालनी है कुल आबादी, कुल आबादी का मतलब 100 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, 100 की मल्टीप्लिकेशन आगे भी। तो आंसर कितना आया? 31,000 इज अ फाइनल आंसर, 31,000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5,000 एंड इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी, कहता है कि एक गांव की आबादी 5,000 है और 2% की दर से हर वर्ष ये बढ़ती रहती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी? ये पटवारी 2019 के पेपर में आया था, टेट के एग्जाम में भी आया है। तो ये बिल्कुल सिंपल है भाई, आज की डेट में अभी कितनी आबादी है? आप कहेंगे सर अभी तो 5,000 है। ये कहता है कि 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है अगर 5,000 आ जाए हर साल 2% 2% 2% बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? आबादी इंक्रीज ही होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 2% बढ़ाओ, बढ़ाना कैसे है? बढ़ाना ऐसे नहीं कि 2% निकाल दिया, बढ़ाना है तो 100 में बढ़ा करके 102, ये पहले साल हुआ, फिर अगले साल भी ऐसा ही होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रॉफिट लॉस पर ही है, वहां पर इस चीज को सिखाऊंगा। 100 में बढ़ा दो जो बढ़ रहा है, 100 में ही घटा दो जो घट रहा है, इसे सॉल्व करो, यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। 5,000 थी पहले साल, ये दूसरी साल, 3 साल तो 3 बार, 4 कहता तो 4 बार इसी चीज को लिखता रहता। 2 0 से 2 0 क्या होंगे? डायरेक्टली कट। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? फाइनली खत्म। तो 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से इसको ऊपर कट कर लो कितने टाइम्स? 1 टाइम। 51 की 2 के साथ गुणा कर दो, 51 की 102 के साथ आप गुणा करो, और जो गुणा करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो गुणा तो भाई आपको आती होगी, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 5202, 5202 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इन टाइप के क्वेश्चन में, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं
आज के सेशन के जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको डिस्कस किए हैं वो कम्प्लीटली आपको समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई बातें समझ में ना आए या कोई क्वेरी रहती है या कोई डाउट रहता है, डायरेक्टली एग्जाम ग्रुप के डाउट ग्रुप में आइए, वहाँ पर मैसेज पोस्ट कीजिए या तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए। जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपकी क्वेरीज अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी हाई लेवल के सीडीएस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, वो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जितना लेवल मैंने आपका क्लास पे रखा है इतने ही लेवल पर क्वेश्चन आपके जेबीटी में बनेंगे। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस की एक कलेक्टिव पीडीएफ है, पार्ट वन, सेशन वन, सेशन टू, दोनों पार्ट्स की या दोनों सेशंस की, दोनों की सेशन की इकट्ठी पीडीएफ मैंने बना दी है, कंपाइल कर ली गई है। तो इस पीडीएफ को एग्जाम व्यू के ऑफिशियल ग्रुप में, जो डाउट ग्रुप आपका होता है, वहां पर पोस्ट कर दिया जाएगा। आप इसे डाउनलोड कीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पेंडिंग रखे हैं आपके काम के लिए, और इस बात का विशेष ध्यान रखें आप सभी कि जब भी आप मुझे पीडीएफ सॉल्व करके देते हो, A to Z हर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना है। ऐसा नहीं कि जो मैंने छोड़ा सिर्फ वही करके भेजना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ के लिंक अवेलेबल हैं, जो भी ग्रुप्स हैं उन सबको आप देख लेना। कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो उसके लिए आपको पता है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में टाइप करो या फिर डाउट ग्रुप में पूछ लो। तो उम्मीद करते हैं आपको परसेंटेज आज क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में किसी एक नए सेशन, किसी एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।